अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस नाजिश फ्रॉम पाकिस्तान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। आई एम योर उर्दू टीचर। आज मैं उर्दू लाजमी बराए जमात नहम के लिए पहला लेक्चर पढ़ाऊंगी। हमारा पहला लेक्चर है नसू का ख्वाब। नसू का ख्वाब तसनीफ करता है मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद ने यह एक शख्सी खाका लिखा है। पहले मैं इसका तारुफी सफ़ा पढ़ाना चाहूँगी जो कि मौलवी नज़ीर अहमद से रिलेटेड है। विलादत 1830, वफ़ाद 1912। नज़ीर अहमद ज़िला बजनौर के एक गांव रहड़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। कम उम्र में दिल्ली आ गए। यहाँ मौलवी अब्दुल खालिक के मदरसे में अरबी की तालीम का सिलसिला शुरू किया। खुशकिस्मती से सरकारी खर्च पर दिल्ली कॉलेज में दाखिला मिल गया। तालीम से फारिग होने के बाद अमली ज़िंदगी का आगाज़ बतौर मदरस किया। 1857 के हंगामे में एक अंग्रेज़ खातून की जान बचाई। इसके सिले में कानपुर में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस बना दिए गए। उन्होंने कानून ने इनकम टैक्स और ताज़ीरात हिंद का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया। इनका ये अमल अंग्रेज़ी हुकूमत को पसंद आया और इन्हें तहसीलदार बना दिया गया। बाद में वो डिप्टी कलेक्टर्स के ओहदे तक पहुँचे। इन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से शम्सुल उलमा का खिताब मिला। एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने LLD और पंजाब यूनिवर्सिटी ने इन्हें DOL की एजाजी डिग्रियां दी। डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार तस्लीम किया जाता है। सर सैयद की तरह इन्हें भी ये इम्तियाज़ हासिल है कि उन्होंने कहानियों के ज़रिए माशरे की इस्लाह की तरफ तवज्जो दी और औरतों के मसाइल को अपने नावलों का मौजू बनाया। सर सैयद ने जो काम अपने मजामीन में से लिया, नज़ीर अहमद ने वही काम अपने नावलों से लिया। इनके तमाम नावल माशरती और घरेलू मसाइल के मुतालिक हैं। वो इनके ज़रिए एक ज़वाल पेज़ीर माशरे के मुसलमानों की घरेलू ज़िंदगी की इस्लाह करना चाहते हैं। उनका अंदाज़ सरासर मकसदी है। उन्होंने अदब को हकीकी ज़िंदगी का तर्जुमान बनाया। उनकी ज़बान दिल्ली की टकसाली ज़बान है। उन्हें औरतों की ज़बान लिखने पर पूरी कुदरत हासिल है। उर्दू अदब में नज़ीर अहमद का मकाम बहुत बुलंद है। इनका इस्लूब बयान इनकी ज़ात की तरह मुनफरिद है। इस्लाह मुआशरा इनका बुनियादी मकसद है। नज़ीर अहमद के किरदार इसी मुआशरे के अफराद जिसमें वो अपने शबो रोज़ गुजारते हैं। हकीकत पसंदी इनके उसलूब की नुमाया खसूसियत है। बकौले मौलवी अब्दुल हक, एक मुसलमान पढ़ने वाले को रह रहकर यह शुबा होता है कि कहीं इसके ख़ानदान के राज तो नहीं खुल रहे। इनकी तहरीर में जगह जगह ज़राफ़त की बेहतरीन मिसालें मिल जाती हैं। इनकी मशहूर तसानीफ ये हैं: मिरातुल उरूस, बनातुल अनश, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, फसाना, मुबतला, रुआए सादिका, अयामा, तर्जुमा कुरान पाक और तर्जुमा ताज़ीरात हिंद। 1912 में इन्हें फॉलिज हुआ जिसकी वजह से वो फौत हो गए और दिल्ली में दफन हुए। जैसे मैंने पहले बताया, नसू का ख्वाब सबक जो है ये एक शख्सी खाका है जिसमें एक ख्वाब बताया गया है जो मुसन्निफ़ ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें आखिरत का ज़िक्र फरमाया है। इसमें बताया गया है कि इंसान इस दुनिया में आकर अपने फ़राइज़ को भूल जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है और अपने ज़िंदगी के कामों के अलावा उसे आखिरत की फ़िक्र नहीं होती। वो जो काम कर रहा है बस उसी में वो मगन रहता है। यह इक्तिबास मौलवी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसू के पहले बाब से लिया गया है।
इस नावल में ये तालीम दी गई है कि इंसान सिर्फ दुनिया का होकर ना रह जाए, दुनिया के कामों के साथ साथ ऐसे नेक अमाल करके दुनिया से जाए कि आखिरत की कामयाबी भी मिल जाए। इस नावल में मौलवी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि एक साल दिल्ली में हैज़े की ऐसी वबा फैली कि हर रोज़ सैकड़ों लोग मरने लगे। बीमारी ऐसी आती कि एक दो घंटे में इंसान काम तमाम कर देती। लोग बीमारी के खौफ से घरों में बंद होकर रह गए, शहर वीरान हो गया। नसू दिल्ली का एक मालदार शख्स था, इसने अपने घर के लोगों को हैज़े से बचाने की एक हर मुमकिन तदबीर की, लेकिन बीमारी इनके घर भी आ पहुँची। एक ही हफ्ते में खाला, मामा और वालिद ऐसे बीमार हुए कि कोई दवा कारगर साबित ना हुई। एक रात नसू को भी हैज़ा हो गया, तबीयत ऐसी बिगड़ी कि मौत इसके सामने थी। अपने अच्छे बुरे अमाल निगाहों के सामने आए, हकीम की दवा के असर से वो गहरी नींद सो गया और ख्वाब में देखा कि वो मर चुका है। आँख का बंद होना था कि नसू एक दूसरी दुनिया में था। जो ख्यालात अभी थोड़ी देर हुए इसके पेश नज़र थे, सब इसके दिमाग में भरे हुए थे। क्या देखता है कि एक बड़ी उम्दा और आलीशान इमारत है, और चूँकि नसू खुद भी कभी डिप्टी मजिस्ट्रेट और हाकिम फौजदारी रह चुका था, उसे ये तस्वुर बंधा कि ये गोया हाई कोर्ट की कचहरी है। लेकिन हाकिम कचहरी कुछ इस तरह का रोबदार है कि बावजूद ये कि हज़ारों लाखों आदमियों का इज्तिमा है, यहाँ पे बात हो रही है हाकिम अला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। मगर हर शख्स सुकूत के आलम में एक ऐसा दम्ब खुद बैठा है कि गोया किसी के मुंह में ज़बान नहीं। क्या मजाल कि कोई अपने बारे में ना जायज़ पैरवी करके या रुपए पैसे का लालच दिखा कर या सही और सिफारिश बहम पहुँचा कर कारबरारी करें कर सकें। जितने मुजरिम हैं, क्या खफीफ क्या संगीन, कोई इसके रहम से ना उम्मीद नहीं। इख्तियारात इस कदर वसी हैं कि न इसके फ़ैसले की अपील है और न इसके हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी हो सकती है। काम करने का ऐसा अच्छा ढंग है काम रोज़ का रोज़ साफ। कितने ही मुकदमे पेशी में क्यों ना हो, मुमकिन नहीं कि तारीख मुकर्रर पर फसील ना हो जाए। जो हुक्म है दूध का दूध पानी का पानी, फिर क्या देखता है कि हर मुजरिम को फर्दन फर्द करारदाद जुर्म की एक नकल दी गई है कि वो इसको पढ़ रहा है, और जितने इल्ज़ाम इस पर लगाए गए हैं सबको समझता और अपनी बरात के वजूहात को सोचता है। यहाँ पे जो करारदाद दी गई है ये अमालनामा है, और अमालनामे में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो जुर्म लिखे गए हैं, वो हर एक आदमी को पकड़ाए जाते हैं ताकि वो अपने अमाल के बारे में पढ़े और उनके जवाबात सोचे। कचहरी का ख्याल नसू को हवालात की तरफ ले गया तो देखा हर शख्स एक अलहदा जगह में नज़र बंद है। जैसा मुजरिम है उसके मुनासिब हाल इसको हवालात में या सख्ती या सहूलत के साथ रखा गया है। हवालात के बराबर जेलखाना है, मगर बहुत ही बुरा ठिकाना है। यहाँ पे जेलखाना से मुराद दोजख है। नसू ये मकाम देखते ही उल्टे पाँव फिरा, बाहर आया तो फिर हवालातियों और ज़ेर तजवीज़ों में देखा था। इन लोगों में हज़ारहा आदमी तो अजनबी थे, मगर जा बजा शहर और मोहल्ले के आदमी भी नज़र आते थे, मगर वो जो मर चुके थे। अब ये देखता है यहाँ पे कि इसके जो आसपास के जो लोग जो करीब फौत हुए थे, वो लोग इसको अपने ख्वाब में हवालात के बाहर नज़र आ रहे हैं। नसू को ये सामान देखकर इसी ख्वाब की हालत में एक हैरत थी कि इलाही ये कौन सा शहर है, किसकी कचहरी है, ये कितने इतने मुजरिम कहाँ से पकड़े हुए आए हैं, ये मेरे हम वतनों ने क्या जुर्म किया कि माखुज हैं। मतलब यहाँ पे ये अब अपने आप से सवाल कर रहा है ख्वाब में कि इलाही ये कौन सा शहर है, ये कौन सी जगह है, और मैं यहाँ पे जो लोगों को देख रहा हूँ ये मेरे जानने वाले हैं, तो इन्होंने क्या जुर्म किया है जो ये यहाँ पे ऐसे हालत में खड़े हुए हैं, ये कैसे मरे थे कि मैं इनको यहाँ देखता हूँ। इसी हैरत में लोगों को देखता भालता चला जाता ताकि दूर से इसको अपने वालिद बुजुर्गवार इन्हीं हवालातियों में बैठे नज़र पड़े। पहले तो समझा कि नज़र की गलती करती है, मगर गौर किया तो पहचाना कि नहीं, वाकया
मैं वही हैं, वाकई मैं वही हैं। वो दौड़ कर कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, या हजरत, हम सब आपकी मुफालिकत में तबाह आप हैं, आप यहाँ कहाँ? मतलब यहाँ पे हम आपके जाने के बाद हम बहुत अफसरदा हैं और आपके इतनी उम्र में छोड़ जाने पर हम बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाप बेटे से कहता है, मैं अपने गुनाहों की जवाबदेही में माखूज़ हूँ। ये मकाम जो तुम देखते हो दारुल जज़ा है, खुदावंद ताला हाकिम है। बेटा, या हज़रत, आप बड़े मुतकी, परहेजगार, खुदा परस्त और नेकुकार थे, आप पर और गुनाहों का इल्ज़ाम? बाप, गुनाह एक दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों। देखो ये मेरा अमाल नामा कैसे रसवाई से भरा हुआ है और मैं इसको देख देख कर सख्त परेशान हूँ कि क्या जवाब दूँगा और कौन सी वजह अपनी बरारत की पेश करूँगा। ये वो कागज़ था जो नसू ने अपने हर शख्स के हाथ में देखा था और इसको दुनिया के ख्यालात के मुताबिक फर्दे करार दे जुर्म समझा जाता था। ये कागज़ अमालनामा था। बाप का अमालनामा देखा तो थरा उठा, मतलब अजीब हालत हो गई इसकी। शिर्क, कुफर, नाफरमानी, नाशुक्री, बगावत, बेईमानी, गुरूर। गीबत, लालच, हसद, मर्द व मजारी, निफाक, दिखावा, दुनिया की मोहब्बत, कोई जुर्म ना था जो इसमें लिखा ना हो, बजाय ताज़ीरातें हिंद के कुरान की सूरतों और आयतों का हवाला था। मुताजिब होकर बाप से पूछा कि या हजरत, फिर क्या आप इन तमाम जुर्मों के मुर्तकिब हुए? बाप, सबका। बेटा, क्या आप हुजूर हाकिम इकरार कर चुके हैं, मतलब आपने इनको कबूल कर लिया है? बाप, इनकार की गुंजाइश ही नहीं, मेरे मुखालिफत में गवाही इतनी वाफर है कि अगर मैं इनकार भी करूं तो पेजराई नहीं हो सकती। बेटा, जनाब, वो कौन लोग हैं जो आपकी मुखालफत पर आमादा हैं? बाप, अव्वल दो करामाने कातिबीन ऐसे कि मेरा कोई फेल इनसे मख्फी नहीं। जितनी बातें कहते हैं पते की और कहते क्या हैं, मेरा रोज़नामचा उमरी लिखते गए हैं। अब जो मैं इसको देखता हूँ, हर्फ ब हर्फ सही और दुरुस्त पाता हूँ। दूसरे मेरे आज़ा, हाथ, पांव, आंख, कान, कोई मेरे कहने का नहीं, सब के सब मुझसे मुनारिफ, मेरी मुखालफत पर आमादा, मेरी तसलील पर कमर बसता है। बेटा, आखिर आप कुछ इसकी वजह भी समझते हैं? बाप, जब से दुनिया को छोड़ा है कब्र की हवालात में हूँ, तन्हाई से जी घबराता है। हवालात में मुझ पर ऐसी सख्ती है कि बयान नहीं कर सकता, मगर सुबह और शाम हर रोज़ आते जाते जेल खाने के पास से होकर गुजरना होता है। वहाँ की तकलीफ़ात देख कर होश उड़ जाते हैं और गनीमत मालूम होता है कि काश हम हमेशा के वास्ते हवालात में रहने का हुक्म हो जाता। मतलब यहाँ पे कब्र में जो सख्तियाँ हैं वो बाप अपने बेटे से बयान करता है कि जब मैं रोज़ यहाँ लाया जाता हूँ तो मैं जब दूसरों की तकलीफ़ देखता हूँ और उन दूसरों के ऊपर जो अज़ाब है, जो उनकी तकलीफ़ें हैं वो देखता हूँ, तो मुझे अपनी हालत पर रहम आता है। बेटा, भला किस तरह हम लोग आपकी इस मुसीबत में आपके काम आ सकते हैं? बाप, अगर मेरे लिए आजिज़ी और खुलूस के साथ दुआ करो तो क्या आजब के मुफीद हो। अभी यहाँ पर औलाद माँ बाप के मर जाने के बाद अगर खुलूस नियत से उनके लिए दुआ करें तो वो उसके हक में ज़रूर कबूल होती हैं। अभी मेरे हमसाए में एक शख्स की रिहाई हुई है, इस पर भी बहुत से इल्ज़ामात थे, मगर जहाँ अल्लाह ताला का इंसाफ कामिल है, पर भी ले ही सिरे का है। इस शख्स के पसमानदों ने इसके वास्ते बहुत दुआएं की। परसों या तरसों इसको बुलाकर इरशाद फरमाया कि तेरे अफाल जैसे थे
वो अब तुझ पर मख्फी नहीं रहे, मगर तेरे जन और फर्जन मतलब उनके औलाद तेरी मौफ़ी के वास्ते गिड़गिड़ाते हैं। हमको यही एक बात भली मालूम होती है कि तूने अपने ख़ानदान में नेकी का बीज बोया, हमने तेरी ख़ता माफ़ की, मतलब उसकी औलाद इतनी नेक थी कि उसके वालिद के जाने के बाद वो अल्लाह ताला से उसके लिए माफ़ी मांगते थे, तो इसके बदले अल्लाह ताला ने उसको माफ़ किया कि तूने अपने ख़ानदान में अपने बच्चों को की नेक परवरिश की है, नेक तरबियत दी है, इसलिए तुझे उनकी ख़ता उनकी वजह से माफ़ किया जाता है। बेटा, आपके इंतकाल के बाद रोना पीटना तो बहुत कुछ हुआ और अब तक हो रहा है। रस्म दुनिया के मुताबिक आपका खाना भी बरादरी में तकसीम कर दिया है, बस दुआ बस वाजिबी सी ही है हुई है। आपके बाद आपकी मीरास के ऐसे झगड़े पड़ गए कि आज तक नहीं सुलझे, मतलब इसके जाने के बाद नसू के वालिद जो थे वो जब इस दुनिया से गए तो इतनी दौलत थी उसके पास कि वो बच्चे जो हैं वो उनकी मीरास पर लड़ने झगड़ने लगे। ये तो फरमाइए कि आप नमाज रोज़े के पाबंद थे, क्या वो आपके कुछ काम ना आए? बाप, क्यों नहीं, ये इन्हीं अमाल की बदौलत है कि मैं दूसरों से कम तकलीफ़ में हूँ। यहाँ हमारे अमाल में खुलूस नीयत शर्त है। मेरी नमाजें बेहुजूर कल्ब थीं, दुनिया की भूली बसरी बातें मुझको नमाजों में याद आती थीं। मतलब नमाज में ऐसी पढ़ता था कि उसमें मेरा ध्यान नमाज की तरफ कम और दुनिया की बातों की तरफ ज़्यादा होता था। मुझे नमाज में वो अपने भूले हुए काम, अपने आने वाले कल के बारे में सोचता था, मैं अपने माजी के बारे में सोचता था। मैं नमाज क्या पढ़ता था, घास काटता था। मेरे रोज़े ऐसे थे कि ईद का इस तरह मुंतज़िर रहता था जैसे कोई कैदी तारीख़ रिहाई का। ईद के लिए 30 रोज़े पूरे करना तो गोया मौत आ जाती थी। मैं तो दुनिया में ऐसे गया था जैसे किसी सिराए में मुसाफिर, वहाँ मगर वहाँ गया तो बस वहीं का हो रहा और ऐसी लंबी तान कर सोया कि कब्र में आकर जागा। मतलब मैं दुनिया में आया ज़रूर, लेकिन मैंने अपने आप को दुनिया का ही बनाकर रख दिया। मैंने अपनी आखिरत, अपनी कब्र के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वहाँ मैं सोया रहा दुनिया में और अब कब्र में आकर, मरने के बाद मैं आकर जागा हूँ। बाप ने जो ये हालत सुनाई, बेटे पर इस तरह हैबत छाई कि चौंक पड़ा। जागा तो फिर वही दालान था, वही तीमारदारियों का सामान। बीबी पास बैठी थी, आहिस्ता आहिस्ता पंखा जल रही थी। मियाँ की आँख खुली हुई देखकर इसकी जान में जान आई। बीबी ने हर चंद दिल जोई की बातें की, मगर नसू को ख्वाब का सारा माजरा पेश नज़र था, मुतलिक जवाब न दिया। बीबी समझी कि बीमारी की वजह से बोलने को जी ना चाहता होगा। नसू का दिल मान गया था कि ये ख्वाब मेरे वहमो ख्याल का बनाया हुआ तो हरगिज़ नहीं है, हो ना हो ये एक अमर मन जाने बे अल्लाह है। जवा ख्वाब किया है, रुआए सादिक और इल्हाम इलाही है। बाप का इजहार इसने ऐसी तवज्जो से सुना था कि हर्फ पर हर्फ याद था। जितने इल्ज़ाम बाप पर लगाए गए थे गौर करता था तो सब अपने में पाता था, बल्कि अपनी हालत बाप की हालत से बदतर पाता था। इन ख्यालात का इसके दिल पर ऐसा असर हुआ कि वो बेख्तियार होकर रोया और कहने लगा कि इलाही, मैंने अपनी सारी उम्र तेरी नाफरमानी में काटी, तूने अपने फजल से फिर चंद रोज़ के वास्ते मुझे दुनिया में रख लिया है, तू ऐसी तौफीक अता कर कि नेकी और अतात में मेरी बाकी ज़िंदगी गुजरे। तूने अपने फजल से फिर इसे अपने ख़ानदान का ख्याल आया। इसने मुस्लिम इरादा किया कि इंशाल्लाह इनकी इस्लाम मकदूर भर कोशिश करूँगा। इसने अपना ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया। बीवी और बच्चों पर भी बड़ा असर हो और वो नेकी की तरफ माइल हो गए। इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है
कि हमें अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी खतूत के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि नेक औलाद ही मुल्क व कौम और वालदेन की फलाह का ज़रिया बनती है। कौम की तरक्की और इस्तेहकाम हमारी नेक औलाद ही की मरहून मिन्नत है। चूँकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसलिए हमें अपनी औलाद को इस्लाम के तमाम उसूलों से आगाही फराहम करना चाहिए और इस्लाम के तमाम उसूलों पर सख्ती से अमल कराना चाहिए। नेज़ यहाँ पर हमें अपनी दुनिया का होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आखिरत के लिए भी, अपनी कब्र के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए, जो हमारा फ़र्ज़ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया गया ये सबक नसू का ख्वाब आपको समझ आया होगा, और इसके बाद आप सवालात हल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप मेरी वीडियोस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सवालात हल करना बताऊंगी, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। शुक्रिया।